अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जिशान गनी और आप लोग हिदायत चैनल देख रहे हैं। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे रोज़े कबूल हो गए। तो इसके लिए हमें कुरान की सूरत नंबर 2 यानी सूरह अलबकरा की आयात नंबर 183, 186 और 188 का मुताला करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईमान वालों, तुम पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है जैसे कि फ़र्ज़ किया गया था तुमसे पहलों पर, ताकि तुम्हारे अंदर तक्वा पैदा हो जाए। यानी अल्लाह ने हम पर रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया है ताकि हमारे अंदर तक्वा या गॉड कॉन्शियसनेस पैदा हो सके। उसके 3 आयात के बाद अल्लाह ने फरमाया, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे बारे में सवाल करें तो उनको बता दीजिए कि मैं करीब हूँ। मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी और जहाँ भी वो मुझे पुकारे। बस उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पे ईमान रखें ताकि वो सही राह पर रहें। और उसके 2 आयात के बाद अल्लाह ने फरमाया, और तुम अपने माल बातिल तरीक़ों से हड़प ना करो और इसको ज़रिया ना बनाओ हुकाम तक पहुँचने का, ताकि तुम लोगों के माल का कुछ हिस्सा हड़प कर सको गुनाह के साथ और तुम उसको जानते बूझते कर रहे हो। यानी अगर आप इन आयात पर गौर करें तो आपको 2 बातों का अंदाज़ा होगा। एक तो ये कि अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद कोई शख्स अगर हराम कामों को छोड़ देता है तो इसका मतलब ये है कि उसके रोज़े कबूल हो गए हैं। और इससे ज़मीनी तौर पे एक और बात हमें पता चलती है, वो ये कि कुछ लोग हो सकता है ये शिकायत करते नज़र आए कि अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं फरमाता। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कोई जाबिर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ये चाहता है कि बंदा गुनाह को छोड़ दे और उसकी तरफ पलट आए। और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अगर हराम खोरी को छोड़ दे, क्योंकि हराम काम एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट या रोड ब्लॉक है जो हमारे दुआओं के बीच में हायल हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को फौरन कबूल फरमाए तो हमें फौरन हराम कामों को तर्क कर देना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। इस जैसे मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहिए हिदायत।